वसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में वसंत उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि 10 फरवरी वसंत पंचमी पर भोजशाला में 4 दिवसीय वसंत उत्सव का आयोजन हिंदू संगठनों द्वारा किया जाता है और इस दौरान धार्मिक आयोजन होंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय माँ सरस्वती यज्ञ किया जाएगा। लालबाग परिसर में माँ बागदेवी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भोजशाला पहुंचेगी और उसके बाद महाआरती की जाएगी। वहीं एक धर्म सभा का आयोजन भी होगा, जिसमें परमहंस अवधेशपुरी महाराज धर्म सभा को संबोधित करेंगे। भोजशाला की मुक्तियों से गुरु की पुनः स्थापना के निमित्त हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित महाराजा बसंतोत्सव कल बसंत पंचमी 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। प्रातः 7 बजे यहाँ परिसर में जवन कुंड है, उसमें यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, माँ सरस्वती यज्ञ। और सुबह से शाम तक ये यज्ञ चलेगा, शाम को सूर्यास्त के साथ की पूर्णोति होगी। उधर 10 बजे से उदाजीराव चौराहा लालबाग से माँ सरस्वती शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें कल के मुख्य अतिथि उज्जैन के महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी पुरी महाराज उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साधु सरस्वती राजस्थान से पधारने वाली है। ये दोनों शोभा यात्रा में रहेंगे। शोभा यात्रा पूरे नगर में होती हुई भोजशाला परिसर में पहुँचेगी। यहाँ उसके बाद 12 बजे करीब महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात बाहर जो पंडाल है वहाँ पर इनकी धर्मसभा होने वाली है। धर्मसभा के साथ ही वही मैदान पर भोज के इसी दंगल का शुभारंभ। अतिथि बसंत पंचमी में हमें जो बल मिला है वो बाहर से 5 में SF की कंपनियाँ मिली हैं और इसके अलावा भी जिला पुलिस बल का और होमगार्ड का काफ़ी बल जो है अलाट हुआ है। कुल मिला के लगभग 1000 के आसपास का बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगा। और वसंत पंचमी को लेकर के हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की हुई है और सभी पक्षों से जो आयोजक गण हैं उनसे अन्य लोग हैं सबसे लगातार हम लोगों ने संवाद किया है और बहुत अच्छा वातावरण है शहर का, अच्छा माहौल है और मैं समझता हूँ कि बसंत पंचमी का जो हमारा त्यौहार है वो बहुत ही उल्लासमय तरीके से और गरिमामय तरीके से